हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आरके पॉइंट। बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैम डीएलएड का क्लास लेकर आइए, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू बता दूं। तो आपका एग्जाम 22 अक्टूबर को होने वाला है और ये एग्जाम में मात्र समझ लीजिए कि आपके पास कार्ड छाट कर ओनली के ओनली 21 डेज बचे हैं। 21 डेज बचे हैं, मैंने कार्ड छाट कर कहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है सो आप पूरा का पूरा दिन काउंट करने लगे, क्योंकि बहुत लोग कमेंट आते हैं मैम इतना दिन बाकी है, तो ऐसा मत कहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप पुराने हैं तो लाइक करना तो बनता है यार, तो लाइक कर दीजिए। तो आप पहले देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन के पैटर्न आते कैसे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो, और जिन लोगों को पता हो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो डीएलएड का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, तो देख लीजिए यहाँ पे पीताम्बर का शुद्ध रूप क्या है, यानी कि हिंदी का, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको बता दूं तो 150 क्वेश्चन आता है। तो ये एक मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मॉडल पेपर उसी बेस्ड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 यहाँ पे हिंदी है, 12 नहीं, टोटल 15 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। ओके, 15 नंबर का भी नहीं, यहाँ पे इन्होंने पूछा है 20 मार्क्स का। अच्छा, मुझे ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे 30 मार्क्स, इस गाइड में तो 30 मार्क्स को लगाया है। यहाँ पे देखिए 30 मार्क्स का आपके हिंदी पूछे जाते हैं, हिंदी से क्वेश्चन, यानी हिंदी के वेटेज बहुत ज़्यादा है। फिर आप मैथ के देख लीजिए कितने, मैथ के क्वेश्चन बस ऐसे ही बोले पूछे जाते हैं। देख लीजिए मैथ के क्वेश्चन कुछ खास ज़्यादा भारी नहीं रहते, रहते तो हैं बट उतने ज़्यादा भारी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैथ के भी क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर आपसे विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाए, यानी कि साइंस के, तो साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख लीजिए, तो साइंस के भी टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन, फिर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, फिर इंग्लिश पूछे जाते होंगे 30 मार्क्स के। इसी तरह 5 सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग के होते हैं फिर, तो टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। देख लीजिए कि इंग्लिश के क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रहते हैं, एक बार पैटर्न देख लीजिए, यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रहते हैं। तो आपको पैटर्न देखकर ये पता चल जाएगा कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैटर्न यहाँ पे कैसे कैसे हैं। तो आर यू रेडी, यानी कि टोटल 21 डेज बचे हैं डीएलएड वाले, तो डीएलएड वाले आप तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी डीएलएड वाले हैं तो उन सबको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, अब मैं क्लास शुरू करूँगी। पहले आपका देखती हूँ कि ओवरव्यू आपका इंटरेस्ट कैसा है, देन तब मैं आपको क्लास शुरू करूँगी जिस हिसाब से आप लोग पढ़ना चाहते हैं और क्या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने बीएड में आप लोग का तैयारी करवाया, सेम उसी तरीके से मैं डीएलएड में भी आपके साथ हूँ। और बिहार बीएड 4 ईयर्स वाले आप लोग दुखी मत होइए, आप लोगों के लिए भी क्लास आ रहा है। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद है। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।